हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। कैसे आप सभी, कैसा क्या अच्छा ट्रेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज के दिन टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल दिए गए थे वो था सेवेंस एंड इंडसइंड बैंक, राइट। सो कौन सा ट्रेड कहाँ पे मिला, कौन सी पोजिशन थी, स्टॉप लॉस टारगेट सब थी, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले है मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पज के लिए है जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट हो, राइट, और कुछ चीजें इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश भी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडसइंड बैंक को कहाँ पे सेल और बाई किया गया था, ठीक है। क्या आपको पोजीशन देने के लिए सेल बिलो एंड बाई अबव का कहाँ पे था, हमारा पोजीशन कहाँ पे लेना था, एग्जैक्टली हम उस पर ही चर्चा करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उससे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडसइंड बैंक जो कि ऑलरेडी ओपन है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ, राइट। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है यहाँ पे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक इसके नीचे होता है डेफिनेटली ये डाउन साइड या ऊपर होता है तो अपसाइड के लिए मोमेंटम होता है। आप देख रहे हैं इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमारा एग्जैक्टली जो टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही रहा है आपको। तो वहां पे जो आज दिया गया था कॉल इंडसइंड बैंक को और सीमेंस को, राइट। तो इंडसइंड बैंक को फ्रेंड्स जो सिग्नल जो आपको दिया गया था कॉल वो था आपका, हॉरिजॉन्टल नहीं ले लेता हूं, 1511 के ऊपर जो था वो बाई सिग्नल था 1511 के ऊपर, ठीक है ना। तो 11 ये रहा एंड 1491 के नीचे जो था वो सेल सिग्नल था, राइट। तो 1491 के नीचे था तो यहाँ पे 1491 का ये नजारा यहाँ पे है, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लोअर लो फॉर्मेशन का जो है जो अचीव जो हमारा रूल है जो हम फॉलो करते हैं, राइट। लोअर लो फॉर्मेशन हमारा एग्जैक्टली बहुत ही पास में बना और वो था 1489, मतलब ये तो ऊपर ही बन गया 1490 पे, 1490 पे हमारा फाइल जो एग्जीक्यूट हुआ, राइट। क्योंकि पास में 5-10 पैसे ऊपर नीचे सभी का हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो 1490 पे लोअर लो बना होगा लेकिन 1489 पे एग्जीक्यूशन हुआ होगा, हुआ था मेरा, ठीक है। यहां से आपका जो है सेल साइड का सिग्नल हमें मिला जो कि हमारा लेवल ब्रेक किया तो हमें वहां पे सिग्नल मिला कि हाँ ये सेल साइड के लिए जाने वाला है। सबसे पहला टारगेट था फ्रेंड्स वो था 1483 का, 1483 का, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1483 का टारगेट था हमारा बहुत इजीली तरीके से अचीव होता हुआ, राइट। देन सेकंड जो टारगेट था वो था 1473 का, ठीक है। तो 1473 का जो टारगेट था फ्रेंड्स वो ये था, ठीक है। यहां से मैंने आपको जो है लिखा भी था कि आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस रखा गया था जो कि मैंने इसके ऊपर रखा था, ठीक है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस तो मैं रखता ही हूं वैसे, ठीक है। तो यहां से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर बना रहा है, चूंकि निफ्टी की बात की जाए तो मैं निफ्टी भी दिखा देता हूँ, ठीक। निफ्टी ने भी यही चाल बना के रखा हुआ है, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं और आपने देखा भी होगा कि निफ्टी का भी सेम चाल है, देखिए निफ्टी का भी सेम चाल है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ तरीके से प्ले करना, ये हमें ऐसा सोचना चाहिए सेफ तरीके से हमें प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करता हूँ कि 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर अगर एक हायर हाई पैटर्न बने तो मैं वहां से एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने यहाँ से रिजेक्शन किया सेकंड टारगेट से, देन वो फिर नीचे आया और 1464 का जो हमारा टारगेट था, ठीक है, इंडसइंड बैंक में 1464 का, तो दिस वन इज 1464, यहां से हमारा टारगेट अचीव हुआ, राइट। और फिर आप देखिए फिर से ये टकराया देन नीचे, ठीक है, और ओवरऑल जो बुकिंग हो गई वो 1449 में बुक कर लिया मैंने, राइट। और आपको भी मैंने फिर इस रेशियो पे मैंने आपको, ठीक है, सेफ ट्रेडिंग का समथिंग जो भी लिखता हूं मैं आपके लिए वो मैंने आपको लिख के दे दिया, ठीक है। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉल जो था आज का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इंडसइंड बैंक में ज्यादा ही कॉल देता हूँ, आप जब भी देखेंगे आप वीडियोस में भी देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी कि इंडसइंड बैंक एक फेवरेट मेरा है जो कि मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। जिस साइड का ब्रेक करता है रूल्स को फॉलो करता है आप लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बाई चांस ही होता है जो कभी हिट करे वो, ठीक है, ऐसा कभी करता नहीं है, राइट। दूसरा मैंने कॉल दिया था सीमेंस का। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम एक चीज बोला था, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, पहले लास्ट टाइम मैंने एक बार आपको बोला था और बहुत मतलब कि इसका एक बिहेवियर है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। आप देखिएगा जो ये इसका बिहेवियर है यहाँ पे, आप देखिए
मैंने बोला था पीछे जाके देखिए क्या इसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन है क्या। यस, डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही मिल रहा है, आप छोटा करेंगे और भी दिखेगा, यह दिखिए, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे अपना पोजिशन जो है लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए इसको बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसके वीवेप के नीचे हो तो आप एग्जैक्टली लगा सकते हैं। यहाँ पे वीवेप भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे, कोई भी इंडिकेटर भी नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली जो पोजिशन, फिर से जो एग्जीक्यूशन है वो देखिए, आप एग्जैक्टली यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक लोअर लो फॉर्मेशन बना है वो 9 एक्सपोनेंशियल पास में है, तो फिर यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो चीज, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज नहीं लगाएंगे और पीछे डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको इस रेशियो पे दिख रहा है जो हमारा बाई सिग्नल है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे एक बड़ा बिग मूवमेंट जो है अचीव कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे जो कॉल आपको मिला था वो बेहतरीन तरीके से काम किया आज, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट किया और डायरेक्शन भी उसी दिशा में, जिस डायरेक्शन को उसने ब्रेक किया उस डायरेक्शन की ओर निकल गया, राइट। तो ये एक बेहतरीन आज का कॉल, ठीक है। चलिए आते हैं सेकंड जो हमारा है वो है सीमेंस। तो सीमेंस पे आते हैं और देखते हैं कहां पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ पोजीशन या नहीं। फ्रेंड्स यहां पे हम बात कर रहे हैं सीमेंस की, तो सीमेंस को मैंने जो दिया था इसमें 1501 के ऊपर जो है ना वो आपको बाय सिग्नल दिया गया था, एंड सेल सिग्नल की बात की जाए 1482 के नीचे दिया गया था, 1482 के नीचे, ठीक है। तो दिस वन इज 1482, राइट। देखिए यहां पे हमें कहीं भी एग्जैक्टली यहां पे इस सिनेरियो में देखिएगा, मैं केवल यहां बात कर रहा हूं, यहां पे आप कहो कि भाई नीचे ब्रेक किया था, फ्रेंड्स ये लोअर लो नहीं है, एक ग्रीन और एक रेड को लोअर लो नहीं बोलते। लोअर लो इट मींस ये लोअर लो हो गया, ये लोअर लो हो गया, ठीक है। यहां पे ये लोअर लो फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, तो ये एक लोअर लो फॉर्मेशन है, राइट। सो 1482 के नीचे जो 1482 है, तो 1482 कर लेते हैं, ठीक है। 1482 के नीचे जो था हमारा कहीं भी जो है, राइट, हमारा कहीं भी जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ पोजीशन। कारण ये है, मैं यहाँ पे बता दूं, और अभी तो करूंगा भी नहीं क्योंकि दो ऑलरेडी बच चुके हैं, मुझे इसके बाद अभी करना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कारण ये है कि यहाँ पे हमारा कोई फॉर्मेशन नहीं बना, ये देखिए थोड़ा सा साइड छोड़ा लेकिन इसमें हम पोजिशन बनाएंगे। कारण ये है कि ये मार्केट जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं लगाना चाहूंगा सबसे पहले वीवेप, ठीक है। तो एक वीवेप होगा, और दूसरा मैं एक तरीका और बता दूं आपको, यहाँ पे लगाएंगे हम मूविंग एवरेज 9 का, ठीक है। ये देखिए ये कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि आपका जो सोचने का नजरिया है थोड़ा सा वे बदल देता है ये, ठीक है। देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि वीवेप और इसमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंशिएट हो जाए, ये दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए नहीं लिया गया, यहाँ पे आप कहेंगे लोअर लो फॉर्मेशन, सो यहाँ पे इसलिए नहीं लूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि 1400 जो 74 का टारगेट था, राइट, तो 1474 दिस वन, ठीक है ना। ये 1474 का आप खुद सोचिए, 77 पे लेंगे तो 3 रुपए के लिए हम काम थोड़ी करेंगे, 4 रुपए के लिए, है ना, 3 रुपए समथिंग पैसे के लिए काम थोड़ी करेंगे हम 1400 रुपए के शेयर में, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे भी हमें दिखे मार्केट जो गिरना था वो गिर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर शेयर नहीं गिर रहा है। तो कारण ये है कि नीचे जाने के लिए राजी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। इसका डिमांड एंड सप्लाई जो है, इसकी जो व्यूअर है, मतलब जो इनके ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, वो इसको नीचे नहीं जाना देना मतलब ले जाना चाहते हैं, राइट। नहीं तो ये बहुत अच्छे तरीके से जैसे इंडसइंड ने मूव किया वैसे ये भी कर सकता था। आप देख लीजिए अब इंडसइंड जो है 1450 पे, राइट, 1451 पे ट्रेड कर रहा है, बट पर्टिकुलर शेयर देखिए फ्रेंड्स वो इसी रेंज में फंस गया है, जितना इसको जाना था वो जा चुका, और यहां से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये पॉइंट से नीचे, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस रेंज में फंसा हुआ है। तो ओवरऑल तरीका ये कि हमारा इसमें, इस पर्टिकुलर वे में सीमेंस में कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन बात की जाए इंडसइंड की, तो इंडसइंड ने बहुत ही कमाल का जो है परफॉर्मेंस आज का दिया अपना, ये देखिए बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस अपना दिया हुआ है। तीनों टारगेट डन, आप चाहो तो वहां निकल जाओ, या फिर जो चीजें आपको दी जाती हैं, आपको थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पे देखो, ठीक है। डिमांड देखिए यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप इसको नीचे करो, थोड़ा सा इसको छोटा करो, देखो अभी दिखाई देगा यहाँ पे क्या, कहीं पे कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या, कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा, पीछे ही सही क्यों ना हो सपोर्ट जरूर दिखेगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसी कारण से यहाँ से बायबैक कर रहा था, और आपका निफ्टी भी जो है पर्टिकुलर उसी वे से जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए पर्टिकुलर वे से ही यहाँ से डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि पीछे इसका डिमांड एंड सप्लाई जोन मिल रहा था इसको, राइट। और दूसरी चीज बात की जाए फ्रेंड्स कि ये एक एक ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे इसमें अगर, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के जरिए भी आप इसमें कुछ नया कुछ देख सकते हैं। देखिए मैं दिखाई दे रहा हूं आपको लगे हाथी,
ठीक है, ट्रेंड लाइन के जरिए भी कुछ नया आप यहां से देख सकते हैं। यहां से इसको मिला लीजिए, ठीक है, तीनों लाइन को अच्छे से मिला लीजिए एंड देन फिर इसको मिला लीजिए आप, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। यहां से देखिए मार्केट इसी के रेंज में घूम रहा है, अभी यहां ऊपर गया, इसको ब्रेक करके ऊपर जाए 1462 के, वो ब्रेक करके ऊपर जाए तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ कि ये ऊपर की तरफ मूव करने को तैयार है अभी, लेकिन पर्टिकुलर वे से ये रिजेक्शन करके फिर इस टारगेट के लिए, मतलब और नीचे आने की संभावनाएं हैं, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी उसको सपोर्ट कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक संभावना है, लेकिन हमारा टारगेट डन हो गया, हम वहां से एग्जिट कर गए, है ना, लालच ज्यादा लालच बुरी बुला है ना, तो वो चीज है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का कॉल जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। हाँ, अगर आप ये कॉल को कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट्स में कमेंट ज्यादा कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, राइट, और मैं आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा चीजें लेके आऊँ आपके लिए, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।